दोस्तों एक बार और फिर से हमारे छत पे एक आके बैठा है एक लाल कबूतर। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए हमारे कबूतरों के बीच में एक लाल कबूतर आके बैठा है। अब मैं गाइस आपको ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी मेरे छत पे किसी का कबूतर आ रहा है तो दिखती बात है यार, कबूतर को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना यार, भगा तो मैं सकता नहीं कबूतर को कि बेटा तुम मेरे छत पे क्यों आया। पता चला उसको भगाने के चक्कर में मेरे दूसरे कबूतर भाग जाए, मैं ये तो नहीं चाहूँगा। छत पे आया है तो गाइस उसको पकड़ूँगा 100% मैं कबूतर पकड़ूँगा। पकड़ने के बाद तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अब मैं जो भी कबूतर पकड़ूँगा ना तो उस कबूतर को मैं भगा दूंगा या उसी वक्त या दूसरे दिन मैं गाइस उस कबूतर को उड़ा दिया करूंगा। तो अभी फ़िलहाल में देख लो, अभी वो बहुत देर से मेरे कबूतर के पीछे बैठा हुआ है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सोचा क्या इसकी वीडियो बना यार, इसको भगा दूंगा। बाकी नहीं यार, वीडियो बनाना ज़रूरी है। अब कबूतर मेरे छत पर आ रहा है तो मैं उसको भगा नहीं सकता ना भाई। ये भी आप सोचो यार गाइस, यार सर इसी वीडियो देखने के लिए भाई, एंटरटेनमेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑल करें, तभी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास गाइस आएंगी। हमारे पास जो नीचे वाले जो जोड़ा रहे कबूतर है उनको हम गेट नहीं खोल सकते। कभी हम गेट खोलेंगे तो हमारे पूरे कबूतर नए पुराने भाग जाएंगे, नीचे कूद जाएंगे। गाइस अजान का टाइम हो चुका है, आगे वीडियो बनाता हूँ आपको। तो गाइस वो हमारे उड़ान वाले कबूतर है, उनको हम खिलाएंगे बासी रोटी, वो भी काफ़ी दिनों के बाद में। देख लो मैंने बासी रोटी गाइस चूर के लेके आया हूँ मैंने जस्ट अभी, और मेरे उड़ान वाले कबूतर है भाई, उनके ऊपर डालता हूँ। और उड़ान वाले कबूतरों के बीच में एक लाल कबूतर बैठा हुआ है, इसको भी हम पकड़ते हैं। हालांकि हमने इससे पहले कोशिश करे थे, वो नीचे नहीं उतरा, हम एक बार और कोशिश करेंगे उसको पकड़ने की। देख लीजिए गाइस वो एकदम जस्ट कोने बैठा हुआ गाइस, लाल कबूतर है वो भी। देखते हैं कि कौन सा है कैसा है कबूतर, वो पंजाबी है मद्रासी है, ये पास में आके ही हमको मालूम पड़ेगा। तो हम रोटी को यहाँ रखते हैं, डालते कबूतरों को, ले आ आ आ, ले आ आ आ आ, ले आ आ आ आ आ, ले आ आ आ आ आ आ। तो वो छतरी पे से नहीं उतर रहा है, एकदम ढेट बन के बैठा हुआ गाइस, देख लो आप। ले आ आ आ आ आ, ले आ आ आ आ आ आ आ, ले आ तो गाइस ये कबूतर छत पे आके बैठ चुका है काफ़ी देर बाद में। हमने बहुत कोशिश करे, बाकी उतर ही गया किसी भी हालत में भाई, वो देखो एकदम सामने बैठा हुआ है। और अब हम इसको पकड़ते हैं भाई और देखते हैं कि कबूतर हाथ में आता कि नहीं आता। वो जस्ट तो वो दीवार पे बैठा हो नीचे उतरेगा, ये उतर गया नीचे। फर्स्ट टाइम हमारे छत पर ऐसा कबूतर आया, एकदम लाल दो बार छित कबरे में। तो गाइस वो सामने बैठा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कबूतर है। और ये कबूतर गाइस जंगलियों में भटक रहा है करीब 4 दिन से। आज पता नहीं कैसे क्या भाई मेरे छत पे कबूतर आ गया, मेरे कबूतरों के बीच में बैठ गया। हो सकता है कि भाई भूखा होगा तो गाइस ये आ गया होगा, देखते हैं कि हाथ में आता है कि नहीं। तो गाइस वो कबूतर बहुत चमक रहा है, वो यानी मेरे आसपास भटक ही नहीं रहा, वो एकदम दूर दूर दाना पानी उठा रहा है वो गाइस। भाई खैर कोशिश करते हैं, अभी तो फिलहाल हम अभी तो हम फिलहाल में दाना डाल रहे हैं कबूतर को, पानी भी डालेंगे, पानी भी रखेंगे, बाकी पहले इसको कोशिश तो कर ले कि हाथ में आता है कि नहीं आता। तो गाइस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ ना कुछ भाई चीज़ एंटरटेनमेंट प्लस सीखने को भी मिलेगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल से। और मेरा यूट्यूब चैनल है कबूतर केयर, आजा भाई पास में आजा गाइस। तो ये है बहुत ही सोच रहा आने में, बहुत ही अरे तेरी भैंस की टांग मारो गाइस। ये तो कबूतर हाथ में मेरा आ गया था भाई, हाथ में क्या है आप देख लो, करीब 5-6 पर आए वो भी उसी कबूतर के, और वापस भाई वो छूट गया है मेरे हाथ से।
और वो छतरी पे जाके बैठ गया। गाइस ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो कबूतर मेरे हाथ से छूटा और वो वापस छतरी पे निकल गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी छतरी पे बैठा हुआ है, कोशिश हमारी जारी है। हम डबल से कोशिश करते हैं, इसको पानी का डब्बा रखते हैं कि आता है कि नहीं आता। गाइस देखते हैं मेरा भाई, आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि ये कबूतर मेरे हाथ में आता है कि नहीं आता। और जैसे मान लो कभी ये खुदा ना खास्ता कभी गाइस ये कबूतर मेरे पास आ जाए तो मैं इस कबूतर को छोड़ दूंगा भाई। मैं इसको ना ही बेचूंगा, ना ही किसी को दूंगा, ना मेरे पास रखूंगा। इस कबूतर को मैं वापस आज़ाद कर दूंगा, भगा दूंगा। बाकी छत पे आया है तो गाइस इसको मैं 100% पकड़ूंगा। मैं पकड़ के देखूँ तो सही है कबूतर कैसा है कैसा नहीं है यार। तो छतरी पे बैठा हुआ गाइस यार, वो छतरी पे हिलने को राजी नहीं है। अब वो ढीठ बन के बैठ चुका है वहाँ पर। वो पहले बार में जब वो नीचे उतरा पूरे तीनों पे घूम रहा, जैसे भाई मेरे पास आया तो भाई चार पर मेरे हाथ में आए, बाकी बार कबूतर छूट गया है ना, वो निकल गया मेरे हाथ से आने वो। खैर कोई दिक्कत नहीं यार, होता रहता है यार कबूतर। कई बार ये होता है कि गाइस कई कबूतर हाथ में एक ही बार में आ जाते हैं, कोई कबूतर दो बार में, तीसरी बार में पकड़े में आ जाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दम छतरी पे भाई कोने बैठा हुआ गाइस, वो हाँ।